पहले राजपा सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज दो दिवसीय गोष्ठी में इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजभर समाज के मार्गदर्शक परम श्रद्धाधरणीय आचार्य शिवप्रसाद जी, आयोजक साथी परम श्रद्धाधरणीय कर्नल साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धाधरणीय केएल हर साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा मंत्र प्रणाया के स्रोत परम श्रद्धाधरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, अपर निदेशक लखनऊ, इस कार्यक्रम में आप अपनी बात अभी रख कर गए हैं डॉक्टर महेंद्र राजभर परियोजना अधिकारी आजमगढ़, अभी कल आप आरक्षण पर चर्चा कर रहे परम श्रद्धाधरणीय डॉक्टर रामानंद राजभर जी, और इस राजभर समाज को जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में राजभर समाज को गति देने वाले हम लोग के मार्गदर्शक परम श्रद्धाधरणीय पंचम राजभर जी, और राजभर समाज के इतिहास का हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय मेरे राजभर जी, हम लोग के बीच उपस्थित परम श्रद्धाधरणीय हरिश्चंद्र राजभर जी, जो रेलवे में इंजीनियर लखनऊ है, आप आदरणीय बड़े भाई परम श्रद्धाधरणीय राजभर जी, जो महाराष्ट्र में आप राजभर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और महाराष्ट्र के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश में विशेष समय देते हुए बहुत अधिक समय देते हैं समाज की सेवा में, उनके साथ चल के आए आदरणीय अनिल राजभर जी, एडवोकेट बड़े भाई आदरणीय अरविंद राजभर जी, नंदलाल राजभर जी, और अभी आपके बीच में हमारे कलाकार परम श्रद्धेय जनार्दन राजभर जी, राजेश राजभर जी, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर संजय राजभर जी, आज इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम सम्मानित साथियों का मैं अपने तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो विषय है, जो शिक्षा है, मात्र आपका बहुत दो मिनट का समय दूंगा। शिक्षा वह चीज है जिस प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हर मानव को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में जीवन यापन करने के लिए शिक्षा ही उतना महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, शिक्षा का उतना महत्वपूर्ण है, आज शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो उस दूध को पीता है वह गरजता जरूर है। साथियों, शिक्षा में इतना दम है। साथियों, आज आपसे बताऊं कि जब इस यह सेमिनार के बारे में पता चला जनपद मऊ में, मैं और डॉक्टर रामानंद साहब जिस पर चर्चा कर रहे थे कि आज पहली बार हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, आज जिस मंच पर हमारे शिक्षक होंगे, हमारे विचारक होंगे, हमारे अधिकारी होंगे, हमारे कर्मचारी होंगे, हमारे कलाकार होंगे, हमारे तमाम बुद्धिजीवी लोग होंगे, आज हम बैठ कर समाज की दिशा और दशा तय करेंगे। साथियों, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो पहली बार इस कार्यक्रम को आपने रखा है। साथियों, हमारे यहाँ संगठन तो हमारे यहाँ प्रदेश और देश में संगठन तो अनगणित है। जैसे इंद्रधनुष आपने देखा, इंद्रधनुष में तमाम रंग होते हैं, उसी तरह हमारे प्रदेश और देश में तमाम संगठन है। साथियों, लेकिन संगठन को प्रकाशित करने वाला एक ही समाज है, राजभर समाज, जिससे सभी संगठन प्रकाशित होते हैं। आज उन संगठन से अलग जब हमारे अधिकारी कर्मचारीगण एक संगठन
साथियों, आज मैं बताऊं कि यह संगठन कोई भी संगठन हो, अब तक जितने संगठन हैं, हम लोग ने किसी किसी रूप में किसी संगठन में पदाधिकारी का कार्य किया है, लेकिन हर संगठन अर्थ के अभाव में, कोष के अभाव में फेल होते चले गए हैं। लेकिन यह जो संगठन बना है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों का संगठन बना हुआ है, इससे बहुत उम्मीद है। आज शिक्षा की बात करते हैं, आज हमारे अधिकारी कर्मचारी का एक पैनल बना लें और इसका अधिक से अधिक विस्तार करें, और पहले विस्तार के रूप में हम हर स्टेट को देखें, उसके बाद हम जनपद वाइज देखें। मैं तो कहता हूं इसका सबसे पहले शुरुआत आप इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से करें, जहां समाज की बहुलता सबसे अधिक है। साथियों, आप उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें और महाराष्ट्र के साथी हैं उनकी देख रेख में, क्योंकि महाराष्ट्र के साथी बड़े जागरूक साथी है जो हमेशा हमेशा सहयोग करते रहते हैं। आप पूर्वांचल में राजभर समाज की संख्या बहुत है, जहां करोड़ों करोड़ की संख्या में राजभर समाज बसते हैं। साथियों, आज आपसे चाहूंगा कि आज तमाम संगठन हुए हैं, लेकिन संगठन समाज की दिशा में कुछ ऐसे कार्य दिख पाए हैं जिससे वह आपके संगठन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने संगठन को विस्तार करें, इसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी को एकत्रित करें, और एकत्रित करने के बाद जैसे आप एक मैग्नेट होता है, चुम्बक होता है, और चुम्बक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को वह इकट्ठा कर लेता है, आप वैसे छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी जितने सब एक साथ हो जाए और आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आपकी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आपका संगठन मजबूत होगा और आप आगे निकलते चले जाएंगे। साथियों, ¡Gracias!
हूँ।